हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू लर्निंग क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिमेनिंग चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 20, गांधीजी लीड्स द नेशन, पार्ट 3। लेट्स ओवरव्यू द कंटेंट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, एंड नंबर 3 हाउ इंडिया फाइनली बिकेम फ्री। World War II and the Quit India Movement. The British arrested tens of thousands of people but could not crush the movement. British ने हजारों लोगों को arrest कर लिया था, लेकिन फिर भी वो इस movement को, इस आंदोलन को दबा नहीं पाए, खत्म नहीं कर पाए. Finally, they were forced to introduce reforms. और finally, उनको reforms में सुधार लाने के लिए मजबूर किया गया. In 1935, they passed the Government of India Act. Elections were held throughout the country. The Congress won in most provinces and formed governments. Elections हुए पूरी country में और ज्यादातर provinces में, प्रांत, ज्यादातर प्रांतों में Congress की जीत हुई और उसने अपनी government बनाई. But power still remains in the hands of British. लेकिन अभी भी कंट्री को चलाने की पावर ब्रिटिश के हैंड्स में थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड ब्रोक आउट इन 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुई। द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वॉर ऑन इंडियाज बिहाफ विदाउट टॉकिंग टू द इंडियन लीडर। ब्रिटिश ने इंडियन लीडर से बात किए बिना ही भारत की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी। इन प्रोटेस्ट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन द प्रोविंसेस रिजाइन, जिसके विरोध में प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालयों ने रिजाइन कर दिया। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट इंडिया वुड नॉट ज्वाइन द वॉर अंटिल द ब्रिटिश ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कांग्रेस ने यह डिक्लेयर किया कि इंडिया जब तक वॉर में शामिल नहीं होगी जब तक कि ब्रिटिश उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूरी आजादी नहीं दे देते। दे हेल्ड टॉक्स विद द ब्रिटिश, वे ब्रिटिश से बातें करते रहे, बट द टॉक फेल्ड एंड द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधीजी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942। जब सभी बातचीत विफल हो गई तब कांग्रेस ने गांधीजी के लीडरशिप में अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। Gandhiji and other leaders were arrested. There were violent protests all over the country aur pure desh mein hinsak virodh pradarshan hue. Subhash Chandra Bose and the Indian National Army. Subhash Chandra Bose had been elected president of the Indian National Congress twice. Subhash Chandra Bose ko Indian National Congress ke do bar president ke roop mein chuna gaya. He was lovingly called Netaji. उन्हें प्यार से नेताजी के नाम से जाना जाता था। He was convinced that the British would never leave India peacefully. Convinced means आश्वस्त होना, विश्वास होना। सुभाष चंद्र बोस को ये पूरा विश्वास था कि ब्रिटिश इंडिया को कभी भी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं छोड़ेंगे। He went to Japan from where he organized an army of 40,000 Indian soldiers. और इसीलिए वो जापान गए जहां उन्होंने 40,000 इंडियन सोल्जर्स की एक आर्मी बनाई। ही कॉल्ड इट द आजाद हिंद फौज और द इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे उन्होंने आजाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी का नाम दिया। द इंडियन नेशनल आर्मी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑन द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इस इंडियन नेशनल आर्मी ने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इनिशियली दे पुश्ड बैक द ब्रिटिश, शुरुआत में उन्होंने ब्रिटिश को पीछे धकेल दिया, बट फाइनली द ब्रिटिश डिफीटेड द इंडियन नेशनल आर्मी। लेकिन अंत में ब्रिटिश ने इंडियन नेशनल आर्मी को डिफीट कर दिया, दैट मीन्स हरा दिया। इंडिया बिकम फ्री। बाय द टाइम वर्ल्ड वॉर सेकंड एंडेड इन 1945, द ब्रिटिश रियलाइज्ड that they could no longer keep the Indians in their control.
ब्रिटिश को ये रियलाइज हुआ कि अब वो ज्यादा लंबे समय तक इंडियंस को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे. द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द इंडियन नेशनल आर्मी हैड शेकन देम. क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडियन नेशनल आर्मी दोनों ने ही ब्रिटिश को हिला कर रख दिया था. दे एग्रीड टू मूव आउट इंडिया एंड स्टार्टेड डिस्कशन विद द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग. और वो इंडिया से बाहर जाने के लिए राजी हुए और उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लोगों के साथ डिस्कशन स्टार्ट किया. द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश हैड बीन सक्सेसफुल इन डिवाइडिंग द हिंदू मुस्लिम. अंग्रेजों की ब्रिटिश की फूट डालो राज करो की नीति हिंदू और मुस्लिम को अलग करने में सफल रही. द मुस्लिम लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना डिमांडेड अ सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम्स. गांधी जी वॉज अगेंस्ट द डिविजन ऑफ इंडिया. मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लोगों के लिए सेपरेट नेशन की डिमांड की और इस डिवीजन के गांधी जी खिलाफ थे. इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947 बट वॉज डिवाइडेड इंटू टू नेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान. 15 अगस्त 1947 को इंडिया को अपनी आज़ादी मिली लेकिन तब इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, इंडिया एंड पाकिस्तान. गांधी जी वॉज हर्ट ब्रोकन. गांधी जी का दिल टूट गया. हिज ड्रीम ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया हैड बीन शैटर्ड. उनका अखंड भारत का सपना चकनाचूर हो चुका था. लेट्स रिकैप. नंबर वन, आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया Gandhiji worked to remove evil practices from Indian society and to unite Indians against the British. Number 2. Gandhiji launched a movement to oppose the Rowlatt Act 1919. Number 3. The same year the British massacred thousands of unarmed people in Jallianwala Bagh in Amritsar. Number 4. After this, Gandhiji launched the non-cooperation movement but he stopped it after it turned violent. Number 5. Protests against the Saman Commission in 1928 again brought the people together against British. Number 6. In 1929, Congress declared their demand for Purn Swaraj. Number 7. In 1930, Gandhiji launched the Civil Disobedience Movement with the Dandi March. Number 8. The Quit India Movement was launched in 1942. Number 9. The Indian National Army of Subhash Chandra Bose fought the British on the northeast borders of India but was finally defeated. Number 10. After World War II, the British government decided to free India. And number 11. India got its independence on the 15th August 1947 but was divided into two nations, India and Pakistan. So this is it for this video. Please like, share and subscribe all my videos that you see. I will see you all in the next video with something new. Till then, really good care of yourself. Thank you.